हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है, और बीच में 2 दिन गैप हो गया है उसके लिए सॉरी। और मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, मैं सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में स्टक्ड हो गया था, बट आई एम बैक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मोस्ट पावरफुल, ठीक है, सुपर पावरफुल डायलॉग के बारे में। ये सुपर पावरफुल डायलॉग बोले तो ऐसे डायलॉग हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप अपने जीवन में, पूरी जिंदगी में एक बार भी अपने पार्टनर के ऊपर अगर इसका प्रयोग कर देते हैं, तो आपका पार्टनर जो है जिंदगी भर के लिए पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा और कभी चैन से नहीं सोएगा। हमेशा ये बात उसको ध्यान रहेगी, हमेशा वो बेचैन रहेगा आपके लिए। तो ये जो 3 बात है आपको, मतलब कि आपके प्यार की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को मतलब उसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे 3, 2, 1 करके। तो पहले हम तीसरे नंबर को देखेंगे, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर जिसको मैंने रखा है पहले उसको देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो रखा गया है वो है, काश आप हमेशा हमारे होते। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ते हैं ध्यान से, काश आप हमेशा हमारे होते। अब यहाँ पे ये जो छोटी सी लाइन है, अब इसका पावर आपको मैं बताता हूँ। देखो क्या है, इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जब हम बोलते हैं, हमको इस तरीके से बोलना है कि यार आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, आप जिसकी भी किस्मत में जाओगे ना वो बहुत ही लकी होगा, काश आप हमारी किस्मत में होते। इस तरीके की जब हम बात बोलते हैं ना, तो सामने वाले को 2 मैसेज जाता है। पहला मैसेज तो ये जाएगा कि ये सामने वाला इंसान जो है ना, अगर इसको हम नहीं मिले तो ये मरने वाला नहीं है। तो जो इंसान ऐसा होता है उसके लिए हम जिंदगी भर बेचैन रहते हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो ऑटोमेटिकली जिंदगी भर आपके पीछे आएगा। और जब कभी भी आप उसके वीक पॉइंट पे हाथ रखोगे तो उसको ये लाइन याद आएगी कि आपने बोला था कि काश आप हमेशा हमारे होते। तो वो इनडायरेक्टली आपसे यही बार बार बोलेगा कि ऐसी क्यों बात कर रहे हो, मैं तो आपका ही हूं ना, मैं तो पूरी तरीके से आपका हूं, मैं तो हमेशा आपका रहूंगा। और जैसे ही वो इंसान ये बात बोलता जाएगा तो वो इसी तरीके की हरकतें भी करता जाएगा, इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड उसका ये करवाता चला जाएगा। क्योंकि वो भले ही दिखावा करे लेकिन उसका सब कॉन्शियस माइंड उसको हकीकत मानेगा और हकीकत में कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो सामने वाला इंसान हमेशा के लिए आपका हो सकता है अगर ये लाइन आप बोलते हो। तो इसको कैसे बोलना है आपको, बोलना है वही मैंने बता दिया कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप जिसकी किस्मत में जाओगे वो बहुत ही खुशकिस्मत होगा, काश आप हमेशा हमारे होते हैं, हमेशा के लिए हमारे होते। ये सेंटेंस इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। इसकी पावर बहुत है, एक बार इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब बात करता हूँ सेकेंड नंबर की। तो सेकेंड नंबर पर जिसको मैंने रखा है ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। अब इसको देखो क्या है कि इसको पहले ध्यान से हम पढ़ते हैं, किसी और से प्यार किए किए होते तो कितने खुश होते। किसी और से अगर प्यार किए होते आप तो कितने खुश होते। यहाँ पे क्या है कि हमको ऐसे बोलना है कि मैंने, मतलब हमारे प्यार में आपको बहुत ही आंसू मिले हैं, हमने आपको बहुत दुख दिया है। अगर आप किसी और से प्यार किए होते ना तो वो कितना आपको खुश रखता या रखती, आप कितने, मतलब कि जो भी चाहते वो कर पाते हैं, मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको जब बोलोगे ना इमोशनल होकर, तो सामने वाला बोलेगा नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ आपको पाकर, या आपके साथ आपके रिलेशनशिप में मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मतलब कि मैं बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिले हो। इस तरीके की जब लाइन वो सामने वाला खुद ही बोलेगा, जब बोलेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हकीकत में होती जाएंगी, कन्वर्ट रियलिटी में हो जाएगा। तो ये लाइन बोलोगे बहुत बहुत, आप सोच नहीं सकते हो ये क्या इसका असर होगा। तो इसको आप एक बारी इसको भी ट्राई करना। अब जो मैं पहले नंबर पर जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, उसको पहले तो आप अच्छे से प्यार से समझना, और इसकी ताकत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब बहुत कमाल का है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो ये है, पहले इसको पढ़ते हैं स्टार्ट, ठीक है। अभी समय है, सोच लो कहीं फैसला गलत तो नहीं लिया, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। समझ में आया? मतलब जब हम अपने सामने वाले पार्टनर को ये कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी 2-3 साल का समय है, सोच लो कहीं फैसला गलत तो नहीं ले लिया, मतलब मुझे चुनकर कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, ठीक है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। जब ये लाइन आप बोलोगे ना तो सामने वाले को पहला मैसेज ये जाएगा कि आप उसको इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि अगर आपने फैसला गलत लिया है तो आप छोड़ सकते हो मेरे को। यहाँ पे इनडायरेक्टली जैसे ही ये बात आपने बोली, सामने वाला पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, बोलेगा ऐसा नहीं है यार, मैं आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, मैंने गलत फैसला ले लिया, मैं बेवकूफ़ समझते हो मेरे को। तो आपको सिंपल बोल देना नहीं गलती नहीं हो सकती है क्या, तो बोलेगा नहीं गलती बिल्कुल नहीं है, मैं हैप्पी हूँ आप मुझे मिले हो, मेरे साथ हो, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, ऐसा सामने वाला बोलेगा, पक्का बोलेगा, ठीक है।
तो ये लाइन जैसे है आप बोलते हो ठीक है अपने पार्टनर से, तो आपका पार्टनर जो है हमेशा लाइफ में ये बात ध्यान रखेगा कि हाँ आपने कहा था कि मतलब कि फैसले ठीक ठाक आपने लिया है ना, मतलब कि आपको आपने ये इनडायरेक्टली बता दिया कि लाइफ में कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जब आप हमें छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये लाइन कवर कर रही है, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इन तीनों को आपको समय समय पे इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल जितना जल्दी कर लोगे अपने रिलेशनशिप में उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को और लोगों का भी फायदा पहुँचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और एंड में अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है लेवेंटर सिटी फेसबुक पेज पे, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पर lovintercity की ID मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।